Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear all students, we will review R1T2 syllabus of biology class 9th. R1T2 include chapter 4 and chapter number 6. Chapter number 4 that is cell and tissue. But according to SMART syllabus, this chapter starts from the topic cellular structure and function. इसमें some structures which are not organelles, ये question कई दफा आ जाता है. Some structures, write the name of the structures which are not organelles. तो these are four structures which are not organelles: cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ये कंप्लीट जो है वो सिलेबस में सारे शामिल हैं और ऑर्गेनेलीज आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट जो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, उनकी डिटेल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, इनकी भी अच्छी तरह याद करनी है डिटेल भी. और उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम भी, ब्लास्टिड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. इसमें कंबाइन होके भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया या गॉल्जी अपैरेटस को कंबाइन कर दें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकते हैं. उसके बाद जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं, सेंट्रियोल है, वैक्यूल्स हैं, ये भी ऑर्गेनेलीज के अंडर आते हैं, लेकिन ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये सिलेबस में शामिल हैं और इसको कम्प्लीटली और बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है विद डायग्राम्स. जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल, के डिफरेंट what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells, this is a long question. उसके बाद passage of molecules into and out of the cell, के molecules जो हैं वो cell के अंदर enter कैसे होते हैं और cell से out कैसे होते हैं by the process of diffusion, इसकी definition होगी, example होगी facilitated diffusion, osmosis, filtration, active transport के through. फिर उसके बाद endocytosis और exocytosis आ जाता है. एंडोसाइटोसिस में दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की. पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस इज द सेलुलर ड्रिंकिंग, सेलुलर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस इज सेलुलर ईटिंग. सेलुलर ईटिंग इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस एंड सेलुलर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है, एक्सरसाइज में जो इंक्लूडेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यूज हैं, वो अच्छी तरह तैयार करने हैं. और ये चैप्टर नंबर 4 जो है इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लास्ट में आ जाता है और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज इसके में इंक्लूडेड होते हैं. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है जो कि R1T2 में शामिल है और ये चैप्टर जो है एंजाइम्स के नाम से है और इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ये दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम वाला. लेकिन पेज उन्होंने जो है वो 107 से 109 लिखा हुआ है. अब जो पेज नंबर 107 है वो एंजाइम्स के नाम से पेज है और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो लाजमन याद करनी है. जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी की है, उसके बाद हाउ एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, बायो कैटालिस्ट है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, एनाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म की, एंजाइम्स की डेफिनेशन इटसेल्फ और ये जो ब्लू बॉक्स है दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम ये कम्प्लीटली याद करना है और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें दोनों आ जाएंगे, लॉक एंड की मॉडल. बेसिकली ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं
कि व्हाट इज ई एस कॉम्प्लेक्स, कि ई एस कॉम्प्लेक्स क्या है। उसके बाद लॉक एंड की मॉडल आ जाता है, और उसके बाद जो है इंड्यूस फिट मॉडल आ जाता है, और एंड में एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन या अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो याद करने हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिव्यू ऑफ चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। सो काइंडली इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट्स, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 4 बायोलॉजी 9th। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्टार्ट में दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द बोथ सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल आर दो सेल्स व्हिच डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मीन कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियर मटीरियल। यूकैरियोटिक सेल they have distinct nucleus, it means ke eukaryotic cell have nuclear membrane around their nuclear material, yani inke jo cell hain usme jo nucleus hai, nucleus ke bahar nuclear membrane maujood hai eukaryotic cell mein, aur nuclear membrane maujood nahi hai prokaryotic cell mein. Pro mean before, karyotic cell mean, karyotic mean nucleus, nucleus se pehle, यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है सेल सेल के बाहर। उसके बाद दोनों में डिफरेंस जो है, जो पहला डिफरेंस वो उनकी डेफिनेशन का आ जाता है, और दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, और डीएनए सिर्फ इनके क्रोमोसोम जो है उसमें जस्ट और जस्ट डीएनए होता है, और एक पॉइंट पे वो इकट्ठा हुआ होता है, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड, ये न्यूक्लॉइड कहलाता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गॉल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके अलावा जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और उसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एटसेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल do not have these double membrane bounded organelles. Prokaryotic cell में ये double membrane bounded organelles नहीं होते। ये third difference था। Fourth difference इनके size का है कि eukaryotic cell has on an average 10 times larger than prokaryotic cell. कि जो eukaryotic cell है वो prokaryotic cell से 10 times larger है, और इसके जो it means कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 10 टाइम्स स्मॉलर है यूकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स स्मॉलर होगा। राइबोसोम्स जो फिफ्थ डिफरेंस है दैट इज ऑफ राइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, because in eukaryotic cell they have to carry out the large amount of functions, for example the duplication and replication of chromosomes, so these ribosomes are larger in size in eukaryotic cell as compared to prokaryotic cell. Next diagram hai, aur prokaryotic cell ki diagram hai, isme cell wall hai bahir, aur uske baad jo andar wali hai cell membrane hai, fir plasmid aa jate hain, फिर ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ डीएनए से मिलकर बने हुए हैं, और उसके बाद ये राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये मूवमेंट के लिए यूज होता है दैट इज फ्लैजेलम। उसके बाद जो सिक्स्थ डिफरेंस है दैट इज ऑफ सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल में
फंजाई में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, वो काइटिन से बनी होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. And keep it in mind, this is very important topic. And so, isko achhi tarah yaad kijiyega. Allah Hafiz.